ये भारत है, यहाँ जो सब छोड़ कर खड़े हैं वही सबसे बड़ा है। ये राजमहल, ये सिंहासन मुझे रानी नहीं बनाता। झांसी के लोगों का प्यार, उनका विश्वास मुझे रानी बनाता। झांसी आप भी चाहते हैं और मैं भी, फर्क सिर्फ इतना है आपको राज करने के लिए चाहिए और मुझे अपनों की सेवा करने के लिए। रही बात सर झुकाने की, तो मेरा सर ना उस दिन झुका था और ना अब झुकेगा। 11 साल की बच्ची है हूबहू कंगना रनौत। देख के खुद हक्की बक्की रह गई अदाकारा। फटाक फटाक बोल दिया कंगना दे डायलॉग। I don't mind, but I'm going to stand for my national anthem, and whenever there is something for my country, I'm going to side with my country. कंगना दी हर वीडियो दी कर लेंदी है नकल। I am going to side with my soldiers and my army, and I am the cool youngster of 21st century. मेरा नाम सुमन है। वैसे तो सारे लोग मुझे छोटी कंगना के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैंने मतलब वैसे मेरे बाल कर ली थे बचपन से, तो सारे कहते थे कि तू कंगना मैम की तरह दिखती है। तो फिर लॉकडाउन जब हुआ तब फ्री थे, तो हमने वीडियो बनानी शुरू की। एक फ़र्स्ट वीडियो जब डाली थी वो बहुत फेमस हुई, वायरल हुई, तो उसके बाद से हमने वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी। तो किस तरह से मतलब जब वीडियो बनाई तो लोगों ने प्यार देना शुरू कर दिया, तो क्या मन में आया कि उनको कॉपी करके ही बनानी है? कोई और भी ट्राई किया कि सिर्फ कंगना मैम को ही फॉलो किया? नहीं, अभी तो मतलब तब तो नहीं था। उसके बाद फिर मैंने वैसे चैनल बनाया था सुमन पंजाबन के नाम से, तो वो भी उस पर, वो अभी न्यू ही है, तो उस पर अभी इतने फॉलोअर्स। छोटी कंगना के नाम से जो चैनल बना, तो उस पर वो कंगना रनौत ने आपकी वीडियो को भी देखी, उनको पता कि आप वीडियो बनाते हैं उनकी? उन्हें पता है कि मैं उनकी वीडियो बनाती हूँ। उन्होंने एक बार अपनी स्टोरी पे मेरी वीडियो डाली थी और लाइक भी किया। कभी उन्होंने कमेंट किया था कि ओए छोटी, तू सारा दिन यही सब करती है, फिर पढ़ाई भी करती है। आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि हाँ, पढ़ाई भी करती हूँ और जब टाइम मिलता है तब मतलब रिकॉर्ड करती हूँ वीडियो। कभी मिलना हुआ कंगना रनौत से? हुआ था जब हम गोल्डन टेंपल गए हुए थे, तो इत्तेफाक से वो भी वहाँ पे आई हुई थी, तो वहाँ पे फिर मैं कंगना मैम से मिली थी। तो उन्होंने पहचाना? पहचान लिया था। उन्होंने कहा था कि आप वही हो ना जो मेरी वीडियो बनाते थे। मैंने कहा हाँ। फिर उसके बाद फ़ोटो खिंचाई थी? खिंचवाई थी, उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाई थी। तो अभी क्या आगे सपना है फिल्म लाइन में, एक्टिंग लाइन में जाने का? क्या बनना पड़े ओके? अभी तो कुछ नहीं सोचा कि क्या बनना है, बट अगर मौका मिला तो जाऊंगी। वैसे अभी कुछ भी नहीं सोचा, अभी पता नहीं बड़े होके क्या बनूं। तो कोई डायलॉग कंगना रनौत का सुनाए। मणिकर्णिका मूवी का ये डायलॉग, ये भारत है, यहाँ जो सब छोड़ कर खड़े हैं वही सबसे बड़ा है। ये राजमहल, ये सिंहासन मुझे रानी नहीं बनाता। झांसी के लोगों का प्यार, उनका विश्वास मुझे रानी बनाता है। झांसी आप भी चाहते हैं और मैं भी, फ़र्क सिर्फ इतना है आपको राज करने के लिए चाहिए और मुझे अपनों की सेवा करने के लिए। रही बात सर झुकाने की, तो मेरा सर ना उस दिन झुका था और ना अब झुकेगा। मेरा नाम नेहा है, मैं सुमन की मदर हूँ, जिसको सब लोग छोटी कंगना के नाम से जानते हैं। कैसे ये शौक पैदा हुआ और आपके माइंड में कैसे आया कि एक वीडियो बनाई जाए और ये कंगना की तरह दिखती है? ये सब बचपन से उसके हेयर कर्ली थे, कलर कॉम्प्लेक्शन फेयर था, तो लुक रिजेम्बलेंस थोड़ा थोड़ा कंगना मैम की तरह आता था, तो बस सब लोग इसे कंगना कंगना कह के बुलाते थे। और जब बड़ी हुई तो इसे एक्टिंग का भी शौक हो गया, तो एक्टिंग करती थी, तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो एक चैनल स्टार्ट करते हैं। एक हम लोगों ने पेज बनाया उस पर इंस्टाग्राम पे छोटी कंगना, और उसमें फिर एक दो पोस्ट डाले, इसके पहले वीडियोस बनाए, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की, तो जो एक वीडियो वायरल हुआ ना, उसके बाद वो धीरे धीरे फेमस हो गई और काफ़ी फॉलोअर्स भी हमारे बढ़ गए। फिर कंगना मैम तक धीरे धीरे ये वीडियो पहुँची, उन्होंने कमेंट भी किया, उसके बाद बस फिर हम लोगों को शौक हो गया इसका। और वैसे हम लोगों को काफ़ी शौक है सोशल मीडिया का, मेरा अपना भी एक पेज है, स्टोरी टेलर नेहा मोटिवेशनल पेज है, तो ठीक है वो सब भी चल रहे हैं, बट छोटी कंगना पे से काफ़ी प्रोग्रेस मिली है। तो अभी क्या आपका सपना है कि ये एक्टिंग लाइन में आगे जाए या इसको पढ़ा के कुछ और बनाना है, और पढ़ाई में कैसी है? पढ़ाई में बहुत अच्छी है टचवुड, बट अभी तो हम लोगों का फोकस पढ़ाई पे ही है, क्योंकि बच्चा पढ़ा लिखा ज़्यादा ज़रूरी होता है,
पड़ेगी और उसके साथ साथ ये इसकी हॉबी है। अगर हाँ, इन केस कभी इसे कोई बायोग्राफी या कोई मैम की तरफ से कोई ऑफ़र आती है या कभी कोई मौका मिला तो ट्राई ज़रूर करेंगे, क्योंकि बच्चे को शौक़ है और पढ़ाई के साथ बच्चा कवर कर सकता है तो कोई बुराई नहीं।